नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया साइंस के इस खास कार्यक्रम साइटेक में, और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि धूप से त्वचा को सुरक्षा देने वाली सनस्क्रीन का आखिर विज्ञान क्या है, और जानेंगे रोचक दादी न्यूरॉन कोशिका के बारे में जो हमें अपनों को पहचानने में हमारी मदद करती है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। धूप से हमारी त्वचा को बचाने और रोजाना इस्तेमाल होने वाले सनस्क्रीन पर शायद आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन आपको इसके लिए केमिस्ट्री को धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से आपकी त्वचा झुलसने से बच जाती है। सनस्क्रीन में ऐसे अनेक रासायनिक अणुओं का इस्तेमाल इस आधार पर किया जाता है कि आप दुनिया में रहते कहाँ हैं। लेकिन सनस्क्रीन आखिर काम कैसे करता है, आइए जानते हैं विस्तार से। सनस्क्रीन कैसे काम करता है, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हम अपनी त्वचा को किस चीज से बचाते हैं। सनस्क्रीन को हमें यूवी रेडिएशन यानी कि पराबैंगनी विकिरण से बचाने के लिए विकसित किया गया है। यूवी रेडिएशन की वेवलेंथ दिखाई देने वाले प्रकाश से कम होती है। सूर्य काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा अल्ट्रावायलेट के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसे तीन भाग में बांटा जा सकता है। पहली है यूवीसी, जो कि पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, लेकिन यूवीए और यूवीबी किरणें हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। यूवीबी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने वाली यूवी रेडिएशन के 5% के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा वातावरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये हमारी त्वचा में ज्यादा मेलानिन के उत्पादन का कारण बनता है, जिसकी वजह से धूप में ज्यादा देर तक बैठने पर टैनिंग यानी कि त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। इसकी वजह से सनबर्न और सीधा डीएनए को नुकसान भी हो सकता है, जो कि आगे चलकर त्वचा के कैंसर में भी बदल सकता है। सनस्क्रीन उत्पाद के रूप में 1928 के आसपास से मिल रही है, और सबसे पहले विकसित की गई सनस्क्रीन त्वचा को यूवीबी रेस से बचाती थी। यूवीए सूर्य से यूवी रेडिएशन के सबसे ज्यादा भाग करीब 95% तक पृथ्वी पर पहुंचने के लिए जिम्मेदार होता है। यूवीए यूवीबी की अपेक्षा हमारी त्वचा में ज्यादा अंदर तक प्रवेश कर ऊतकों तक पहुंच सकती है। इसकी वजह से त्वचा में झुर्रियां और समय से पहले बूढ़ी हो जाती हैं। ये डीएनए को नुकसान पहुंचाकर स्किन कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकती हैं। पहले यूवीबी की अपेक्षा यूवीए को कम हानिकारक समझा जाता था, लेकिन इसके बढ़ते खतरे को समझते हुए सनस्क्रीन में यूवी स्पेक्ट्रम से बचाव के लिए भी विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं कि रासायनिक रूप से सनस्क्रीन काम कैसे करता है। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही रसायनों का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। दो अकार्बनिक पदार्थ टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल सनस्क्रीन में किया जाता है। ये दोनों यौगिक न सिर्फ यूवी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, बल्कि यूवी रेडिएशन को अवशोषित कर इन्हें नष्ट भी कर देते हैं। पहली सनस्क्रीन जिनमें केवल ये दोनों रसायन होते थे, वो त्वचा पर दिखने वाली सफेद परत छोड़ देते थे, लेकिन आजकल की सनस्क्रीन में अकार्बनिक रसायनों के साथ साथ कार्बनिक रसायनों का भी इस्तेमाल होता है। इनकी रासायनिक संरचना और रासायनिक बंधों के कारण कुछ रसायन यूवी प्रकाश के फोटॉन्स को अवशोषित कर लेते हैं, और ये ऊर्जा फिर ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। कुछ कार्बनिक रसायन का इस्तेमाल फोटोस्टेबल होता है, यानी कि यूवी प्रकाश में ये टूटते नहीं हैं, जबकि इनमें से कुछ रसायन यूवी प्रकाश को अवशोषित करते हुए समय के साथ धीरे धीरे टूट जाते हैं। एवोबेंजीन इसका मुख्य उदाहरण है, इसलिए दूसरी रसायन के उपयोग से इनके टूटने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। इसलिए ये एक मुख्य कारण है सनस्क्रीन दोबारा लगाने का। इसके अलावा कहा जाता है कि सनस्क्रीन पर पानी का प्रभाव नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक निश्चित समय तक ही ये पानी को रोक सकता है।
सनस्क्रीन में इतने सारे रसायनों के बारे में जानकर अगर आपको चिंता हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन सभी रसायनों को अनेक परीक्षणों से गुजरने के बाद ही सनस्क्रीन में शामिल किया जाता है और इनकी मात्रा का भी एक तय मानक होता है, जिससे कि त्वचा को कोई नुकसान ना पहुंचे। इनमें से कुछ त्वचा में ज्यादा अवशोषित होते हैं और कुछ कम, लेकिन इनकी भी सुरक्षा जांच की जाती है, इसलिए चिंता का विषय नहीं है। हर कोई अपनों के बीच रहना चाहता है। क्या ऐसा केवल इसीलिए है क्योंकि हम बचपन से ये जानते हैं कि ये हमारे दादा हैं, ये हमारे नाना हैं, या फिर ये हमारे रिश्तेदार हैं जो कि अपने कहलाते हैं? या फिर ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे शरीर में कोई ऐसा तंत्र है जो कि खून के रिश्तों को पहचानता है? हाल ही में एक शोध से ये पुष्टि हुई कि हमारे दिमाग में एक खास कोशिका अपनों को पहचानने के लिए जिम्मेदार है। इसे वैज्ञानिकों ने ग्रैंड मदर यानी कि दादी न्यूरॉन कहा है। आइए जानते हैं विस्तार से। जब आप अपनी दादी, नानी या किसी जाने पहचाने चेहरे से मिलते हैं तो आपका दिमाग उन्हें कैसे पहचानता है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसके लिए दिमाग में मौजूद कोई कोशिका जिम्मेदार होती है? 1960 से लेकर अब तक इस पर बहस होती आ रही थी कि क्या ऐसा संभव है। अब जाकर इस बात की पुष्टि हुई है कि एक कोशिका दिमाग में पाई जाती है जिसे हम दादी न्यूरॉन कहते हैं। ये शोध हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है। अभी हुए इस नए अध्ययन में लोगों को पहचानने वाली कोशिकाओं की पहचान नहीं हुई है, लेकिन ये बात पुख्ता है कि दिमाग में दादी न्यूरॉन कोशिका होती है। ये कोशिका ही लोगों, इमारतों और जगहों को पहचानने में मदद करती है। न्यूयॉर्क सिटी स्थित द रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस एंड बिहेवियर के प्रोफेसर और प्रमुख शोधकर्ता विंड्रिच फ्रिवाल्ड के मुताबिक दादी न्यूरॉन कोशिका दृष्टि और याददाश्त का गजब मिश्रण होती है, यानी ये एक बार देखी हुई चीज को याद कर लेती हैं। जिस व्यक्ति या स्थान को बराबर देखती हैं, उन्हें लेकर इनमें कोई दुविधा नहीं होती, ये तत्काल उन्हें पहचान लेती हैं। विंड्रिच कहते हैं कि उन्होंने टेम्पोरल पोल को समझने की कोशिश की है। ये दिमाग के निचले हिस्से में होती हैं, जिसे लोग कम जानते हैं। विंड्रिच और उनकी टीम ने नई स्टडी के लिए दो रीसस बंदरों के दिमाग की फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की। ये इमेजिंग तब की गई जब वो बंदरों और इंसानों की शक्लों के साथ साथ अन्य वस्तुओं को देख रहे थे। मस्तिष्क की ये स्कैनिंग गाइड की तरह था। इसके जरिए शोधकर्ता बंदर के मस्तिष्क के दो जगहों पर इलेक्ट्रॉड घुसा पाए, एक टेम्पोरल पोल में और दूसरा मस्तिष्क के एक ऐसे हिस्से में जो सामान्य तौर पर चेहरों की पहचान करता है, लेकिन पिछले शोधों के मुताबिक वह पहचान वाले और अजनबी चेहरों के बीच भेद नहीं कर सकता। शोधकर्ता इन इलेक्ट्रोड्स की मदद से मस्तिष्क के इन दो हिस्सों में एक एक कोशिका की गतिविधियों की निगरानी कर सके। जब बंदरों को दूसरी बंदरों की तस्वीरें और मानवीय चेहरे की तस्वीरें दिखाई गई तो दोनों हिस्सों के मस्तिष्क की कोशिकाएं उत्तेजित हो गई, लेकिन केवल टेम्पोरल पोल की कोशिकाएं पहचान वाले और अनजान चेहरों के बीच अंतर करने में सक्षम थी। जब बंदरों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की तस्वीरें देखी तो टेम्पोरल पोल की कोशिकाएं अनजान चेहरों की तस्वीरों को दिखाए जाने की तुलना में 3 गुना ज्यादा उत्तेजित हो गई। ये खोज न्यूरोसाइंस में व्याप्त समझ के खिलाफ है। सामान्यतः वैज्ञानिक मानते हैं कि मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से सूचना के प्रसंस्करण के लिए एक दूसरे से संवाद करते हैं, लेकिन ये नया शोध इंगित करता है कि एक खास हिस्से का एक स्थान किसी खास उद्देश्य के लिए है, जो है लोगों को पहचानना। विंड्रिच कहते हैं कि इंसानों के दिमाग को लेकर हम सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं। यह स्टडी बंदरों के दिमाग पर की गई है। इंसानों और बंदरों के दिमाग में काफी अंतर है। रीसस बंदर बेहद सामाजिक जीव होते हैं, इसलिए उनके दिमाग का अध्ययन किया गया है। हालांकि ये बात तो पुख्ता हो गई है कि दादी न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं,
ये सक्रियता से काम भी करती हैं। उम्मीद है कि साइटेक का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। अपने सुझाव आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। साइटेक के एक नए अंक के साथ एक बार फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।